जिस भव्यता ने हवातन, जिस पैमाने पर बीजेपी अपनी जीत और खास तौर पर उत्तर प्रदेश को जीतना, रिकॉर्ड जीत हासिल करना, उसी के जरिए एक बड़ा संदेश देती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार बुलडोजर चल रहे थे सड़कों पर, आज का क्या नजारा है नेहा? बिल्कुल अंजना, नजारा बेहद भव्य है क्योंकि जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे और चित्रा भी जैसे जानकारी दे रही थी, लाइफ साइज कटआउट पोस्टर लगाए गए हैं। उसका एक नजारा मैं आपको यहां पर अपने पीछे दिखाना चाहूंगी, अपने कैमरा पर्सन आलोक दास दिखाऊंगी। यही वो इकाना स्टेडियम है जो कल साक्षी बनेगा, कल गवाह बनेगा एक बहुत बड़े ऐतिहासिक लम्हे का, क्योंकि दूसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और ये तमाम जो यहाँ पर पोस्टर्स हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी लगाए हैं। और ठीक पीछे जहां तक भी आप नजर दौड़ाइए अंजना, सिर्फ और सिर्फ यहां पर पोस्टर्स दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि कल सिर्फ यहां पर अलग अलग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री का जमावड़ा नहीं लगने वाला है, यहां पर उन राज्यों के मुख्यमंत्री को भी न्योता दिया गया है जहां पर बीजेपी की गठबंधन में सरकार है या फिर बीजेपी की सरकार नहीं भी है। यानी कि एक हाई प्रोफाइल वीआईपी इवेंट, वीवीआईपी इवेंट रहने वाला है। और ये व्हीकुलर मूवमेंट भी जो आप देख रहे हैं बहुत देर से यहां पर जारी है, चाहे एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस प्रशासन की कई गाड़ियां यहां से गुजर चुकी हैं क्योंकि अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। मेरे ठीक पीछे मैं दिखाना चाहूंगी, वहां पर सीआरपीएफ की आप तैनाती देख सकती होंगी। तो ये कल के फाइनल शो का एक तरीके से आज यहां पर ड्रेस रिहर्सल किया जा रहा है अंजना, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कल जब ये स्टेडियम जो ठीक मेरे पीछे है, जो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनाया गया है, बेहद भव्य स्टेडियम है, लगभग 50,000 इसकी सीटिंग कैपेसिटी है, लेकिन ये अपनी कैपेसिटी से ज्यादा भरा हुआ दिखाई देने वाला है क्योंकि लगभग 27,000 के आसपास बूथ हैं और उन बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में दो दो रिप्रेजेंटेटिव्स को मौका दिया गया है। तो अगर आप मैथमेटिक्स करें तो उसी हिसाब से देखिए कि कितने सारे लोग यहां पर कल मौजूद रहने वाले हैं स्टेडियम के अंदर। बिल्कुल नेहा,